दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी भारतीय जनता पार्टी ने और उनके राजनीतिक हथियार ईडी ने एक झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया है। एक ऐसा केस जिसमें 2 साल की जांच के बाद भी 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आम आदमी पार्टी के किसी नेता से रिकवर नहीं हुआ। एक ऐसा केस जिसकी जांच 2 साल से चल रही है, लेकिन गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल जी की होती है लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव की घोषणा के बाद क्यों अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया? इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। जैसे कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही आखिरकार उनका इसका नाश करने वाले हैं, जैसे रावण को पता था कि भगवान श्री राम ही उसका नाश करने वाले हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि आखिरकार उनको अगर कोई एक आदमी खत्म करेगा, कोई एक नेता हराएगा तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी डर की वजह से वो आज अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल उनको चैलेंज ना कर सके, अरविंद केजरीवाल उनको खत्म ना कर सके। और यही कारण है कि आज अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के झूठे आरोपों के साथ ईडी ने हिरासत में ले लिया है, जेल में डाल दिया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह बताना चाहती हूं कि आपको यह भ्रम है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। और आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हो, लेकिन उनकी प्रेरणा से हजारों अरविंद केजरीवाल पूरे देश में निकल कर आएंगे, देश की सड़कों पर निकल के आएंगे। और आज आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के इस डर को घर घर तक पहुंचाने के लिए, अरविंद केजरीवाल की चिंगारी घर घर तक पहुंचाने के लिए, अरविंद केजरीवाल की प्रेरणा घर घर तक पहुंचाने के लिए आज पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक डीपी कैंपेन की शुरुआत कर रही है। आज दोपहर 3 बजे से आम आदमी पार्टी के सभी नेता, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी डीपी बदल रहे हैं। आज से ये होगी सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की डीपी कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल है। तो मैं आज देश के सभी लोगों से अपील करना चाहती हूं कि आप अगर अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हैं, अगर आज आप इस तानाशाही के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, अगर आप इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और अगर आप देश भर में ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, तो मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि ये डीपी URL IndiaWithKejriwal.com पर अवेलेबल है, IndiaWithKejriwal IndiaWithKejriwal.com। मेरी आप सबसे अपील है कि सारे प्लेटफॉर्म्स पर
चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, आप इसको अपनी डीपी पर लगाइए और पूरे देश को ये संदेश दीजिए कि ये लड़ाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, ये इस लोकतंत्र की लड़ाई है और ये हमारे संविधान के लिए लड़ाई है। थैंक यू। लेकर जो आपकी तरफ से जारी किया गया था, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई कंप्यूटर की ऐसी व्यवस्था नहीं है तो इस तरह का कोई नोट सामने है और इसकी जांच कराएंगे। दूसरी खबर फोन को लेकर, एक्साइज पॉलिसी के वक्त का फोन गायब, ये ईडी के सोर्सेज के हवाले से खबर आई। ईडी क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो सोर्सेज से खबर प्लांट करती है? ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, देश की एक स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। अगर ईडी को कुछ कहना है तो वो चार्जशीट फाइल करे, अगर ईडी को कुछ कहना है तो कोर्ट में जाके कहे, अगर ईडी को कुछ कहना है तो जज के सामने जाके कहे। ये जो ईडी के पीछे छुपकर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है, अपनी चुनावी लड़ाई लड़ रही है, वो करना बंद करें। ईडी के भी सभी अफसरों को मैं कहना चाहूंगी कि आपको इस देश के संविधान ने, इस देश के कानून ने कुछ ताकत दी है, इस संविधान का हनन मत करिए, इस संविधान की हत्या मत करिए। आप भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक संगठन नहीं है, आप इस देश के कानून के तहत बनाई गई एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन की तरह काम करना बंद करें।